राजधानी भोपाल में भूख हड़ताल के साथ आयकर विभाग में चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत। अपनी प्रमुख 14 सूत्री मांगों के समर्थन में आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारी संघ और आयकर कर्मचारी महासंघ के सदस्य अधिकारी कर्मचारी, जो कि विभाग की कुल सदस्यता संख्या के 97% है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नीतियों के विरुद्ध दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को एक दिवसीय भूख हड़ताल की गई। भोपाल से सौद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं यशवंत पुरोहित, संयुक्त कार्यवाही परिषद, जो आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ और आयकर कर्मचारी महासंघ MP छत्तीसगढ़ की जो एक ज्वाइंट बॉडी है और जो इस विभाग की कुल संख्या का 97% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उसके संयोजक के तौर पे मैं आपके चैनल से आपको संबोधित कर रहा हूँ। हम आज भूख हड़ताल से हमारे एक लंबे संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। लंबा संघर्ष इसलिए कि जिस तरह से बोर्ड ने अभी तक हमारी मांगों के ऊपर एक तरह से बहरापन दिखाया है, हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए, हमसे बात करने के लिए और जो पुराने समझौते पड़े हुए हैं उनको लागू करने के लिए भी बोर्ड तैयार नहीं है। उनके पास में कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने अपने कान बहरे कर लिए हैं, तो उनके बहरे कानों में आवाज़ पहुँचे इसलिए हमने आज भूख हड़ताल के माध्यम से पूरे देश भर में, देश के जो जितने भी आयकर आयुक्त स्तर के शहर हैं उन सभी में आज ये आंदोलन हो रहा है। और आज के आंदोलन के साथ हमारे एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है। आज से हमने उन सारे ग्रुप्स में जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों के तरफ से, उन सभी ग्रुप से अपने आप को हमने हटा लिया है। इसके साथ साथ वो जो मीटिंग के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं, हमसे मीटिंग की जाए, चर्चा की जाए, लेकिन बोर्ड के अधिकारी चर्चा करने को तैयार नहीं है। वो वर्चुअल मीटिंग लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। हमने तय कर लिया कि हमारा कोई भी मेंबर उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या किसी भी पर्सनल मीटिंग में नहीं जाएगा। इसके साथ साथ जो नया फेसलेस असेसमेंट, जिसका बड़ा शोर बताया गया था, उसको लागू किया गया, लेकिन आज तक उस फेसलेस असेसमेंट में जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार के तरफ से जो भी निर्देश दिए, बोर्ड ने उनको मानने से इनकार किया। तो मैं तो सीधे सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फेसलेस असेसमेंट की स्कीम, जो कि बहुत सुंदर स्कीम लाई गई है, उसमें पलीता लगाने के काम ये बोर्ड के नाकारा अधिकारी कर रहे हैं। CBDT के चेयरमैन को ये समझना चाहिए कि जो नीचे ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम करने वाले हैं उनके साथ में इस तरह से अगर दुर्व्यवहार होगा तो काम किसी हालत में संभव नहीं हो सकता। हमने सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएँ जो कि डिमोनेटाइजेशन से लेकर जो जितने भी उन्होंने स्कीम लेकर आए उसको सफल बनाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की, संघर्ष किया, तब जाके 12 लाख करोड़ रुपए का हमने रेवेन्यू सरकार को दिया है। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी जायज मांगे हैं, हमने क्या मांगा? हमने कोई किसी से दौलत नहीं मांगी, हमने केवल ये मांगा कि हमारा अधिकार है प्रमोशन, हमारा अधिकार है सीनियरिटी का सम्मान, हमारा अधिकार है हमें समय पर समानता के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं हमको जो मिलना चाहिए वो हम मांग रहे हैं। उसके बाद भी सरकार के निर्देशों के बाद भी CBDT के जो अधिकारी हैं वो उस देने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से हमने इस आंदोलन को करने की तैयारी की है। जो डायरेक्ट क्लास 1 इस डिपार्टमेंट में आता है, सबके ACIT बनने के बाद में DCIT बनने में 4 साल के भीतर वो बन जाते हैं। हमारे जो अधिकारी प्रमोट हुए आयकर अधिकारी, आज तक 2014-15 के लोगों को भी आज तक रेगुलर नहीं किया गया। इससे बड़ा अन्याय पूरे देश में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि एक अधिकारी के प्रमोशन से नीचे के 7 पदों में पदोन्नति होती है, वो सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं। गांव का निदान नहीं होता तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और हम निश्चित रूप से इसमें और उसको घनीभूत करेंगे। निश्चित रूप से रेवेन्यू लॉस होगा और बहुत सारे करदाताओं को भी इसमें नुकसान होगा, परंतु इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो CBDT है, और CBDT के जो अधिकारी हैं जो कि केवल सुविधाओं का उपभोग करना जानते हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को, उन ढांचागत सुविधाओं को नीचे जो वास्तविक जिनको आवश्यकता है उन तक उनको नहीं पहुंचाना चाहते। इस वजह से ये आंदोलन करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा।